मौर्य भाई की स्माइल सबसे अच्छी, एक बार हंस के दिखा दो भाई, एक बार हंस के तो दिखा दो। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोगों ने कल देखा था कि गाड़ी का जो डोर चेंज था वो हो चुका था, गाड़ी में डेंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन गाड़ी में पेंटिंग का काम जो है वो आज होना है। सो सैटरडे को इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन सैटरडे को ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, रीज़न बीइंग कि सुबह से बारिश हो रही थी और अब जाके पेंट का काम स्टार्ट हुआ है, एक बज चुका है और लेट्स सी कि कब तक रहता है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये संडे तक आप लोगों के पास ब्लॉग आ जाएगा, 5:30 बजे आया या उससे पहले आया वो तो संडे को ही पता चलेगा, लेकिन आज का काम है कि इसको पेंट कराना है पूरा परफेक्टली और रेडी करवाना है अपनी गाड़ी को। सो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मुसाफिर के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। ओके गाइस, तो हमारी जो पेंट का काम है वो स्टार्ट होने से पहले जो जो चीजें होती है मैं आपको बताया, तो मौर्य भाई यहाँ पर है। भाई क्या स्टार्ट हो चुका है गाड़ी में? बॉडी बॉडी पिलर जो मसाला होता है, तो इसका क्या फायदा रहता है भाई? थोड़ा जो गड्ढे रहते हैं ना कहीं, अच्छा वो बराबर प्रॉपर बराबर हो जाते हैं। सो गाइस एक बार ये आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, देखो आप ये पूरा बराबरी, अगर यहाँ पर कैमरा जस्टिस कर रहा होगा तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा कलर में, इसमें और नीचे वाले में। सो इसको ये बिल्कुल परफेक्टली बराबर कर रहे हैं भाई। इसको अगर बराबर ना करके हम लोग पेंट कर दे तो क्या होता है? डेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस जब भी आप लोग पेंट करा रहे हैं, अगर आप में से किसी ने अभी तक अपनी गाड़ी में कभी पेंट नहीं कराया, पहली बार आप कभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लो। और ये जो होता है ये किस चीज़ का होता है बना हुआ, जो ये पिलर होता है? ये मसाला होता है, मसाला होता है ये। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, जहाँ जहाँ पर अनइवन है वहाँ पर इवन करके फिर इसको पेंट किया जाने वाला है। और अगर आपने कल देखा होगा तो इसके ऊपर पूरा एक स्टिकर लगा हुआ था जो कि निकाल दिया। स्टिकर कैसे निकलता है? हाथों से? हाँ, कोई मशीन लगानी पड़ती है? नहीं, हाथों से खींच के निकाला। हाथों से खींच के निकलता है, आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट हो चुका है। भाई को थोड़ा काम करने देते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। गाइस हमने 15 मिनट का इसको हॉल्ड दे दिया, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं इसमें कटाई। तो कटाई जो इजी वर्ड में आप लोगों को बता देता हूँ, इसको पूरा का पूरा इससे खींचते, ये रेगमार होता है, रेगमार से होता है जिससे ये बिल्कुल फाइन हो जाए। तो भाई अगर रेगमार ना मारा जाए तो क्या दिक्कत रहती है? वैसे ही रहेगा वो। तो गाइस इससे ये परफेक्टली जब आपने पुट्टी लगाई है तो वो उसी ढाल में आ जाएगा, यानी कि जो पुट्टी आपने चिपकाई है उसको आप चाहते हो कि एक परफेक्ट उसमें आ जाए, तो आप लोगों को कटाई ज़रूर करवानी है। एनीवेज आप लोगों को ये सब चीज़ें इन्फॉर्म करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को कोई बेवकूफ़ ना बनाए और आप लोगों को हर चीज़ के बारे में पता हो। तो इसमें ये धुआं ये टाइप का, मतलब जो इसका निकलता है सफ़ेद, ये उड़ता है काफ़ी, तो इससे दूर रहे और जितना हो सके जब भी पेंट का काम करवा रहे तब मुँह पे कपड़ा ज़रूर बांधे। गाइस कम से कम 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक भाई पूरा इसको परफेक्टली कटाई कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को अगर एक पास से व्यू दिखाऊं तो आप लोगों को जो डिफरेंस दिखेगा, जो जो चीज़ें डेंट लगी हुई थी वो बराबर हो गई है पुट्टी से, आप लोग देख सकते हो। ऐसे बोला दरवाजा था उसमें तो हम लोगों ने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन ये वाला हरे रंग का है, तो भाई इसके लिए पहले क्या करेंगे हम? एक माल से रफ लगा के, रफ लगाएंगे पहले इसमें और उसके बाद इसमें परफेक्टली हम लोग पेंट भरेंगे। चल देखते हैं कैसे ये काम चलता है। गाइस एक चीज़ डिफरेंट होती हुई आप लोगों को आज की वीडियो के एंड में दिखेगी, जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगा और वो चीज़ क्यों करवानी चाहिए उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। गाइस इसके बाद आप लोगों को ये साइड की चीज़ दिखाया, तो यहाँ पर आपको एक डेंट दिख रहा होगा, तो बबलू भाई ने बोला है कि यहाँ पर भी हम लोग जो ड्राई डेंट होगा वो निकाल के इसके ऊपर भी पुट्टी भर देंगे, क्योंकि जब परफेक्टली इसके ऊपर पूरा पेंट होगा तो एक एनरिच लुक आ जाएगा। इसी के साथ में गाइस मैं एक चीज़ जो डिफरेंट आप लोगों को बता देता हूँ, सो ऐसे जो भी डार्क कलर्स होते हैं उनमें मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि केवल एक डोर या दो डोरों को पेंट कराओ। मैं जो हूँ क्लियर, मोस्ट प्रॉब्ली जो क्लियर कोट होगा वो मैं इसमें भी करवाऊंगा, जिससे कलर मैचिंग पूरी परफेक्ट आ जाए। वो कैसे होगा वो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन स्टिल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। इसको निकलवाते हैं पहले ड्राई डेंट से, इसके ऊपर पुट्टी भरवाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। गाइस ड्राई डेंट वाला काम अभी भाई ने स्टार्ट कर दिया है। बबलू भाई क्या करने वाले इसमें हम? ये डेंट उठा के नहीं है, उसके बाद में इसमें पुट्टी भर देंगे। अच्छा, जो कवरिंग हो जाएगा हल्का मुल्का गड्ढा, उसके बाद में फिर इसको पेंटिंग का काम चलेगा। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर सीधे मैं पेंट लगा दूं तो क्या वो पपड़ी पपड़ी करके निकल जाएगा? फिर वो पेंट इसमें अंदर डेंट है ना, तो इसमें पेंट हो ही नहीं सकता ना, फिर वो अलग ही दिखेगा, गड्ढे गड्ढे से दिखेंगे। ठीक है भाई, तो भाई जो आज हम जैसे पेंट करने वाले, जैसे दो डोर तो हम पेंट कर ही रहे, इसके साथ में हम दो कुछ पार्टों में क्लियर भी मारेंगे, तो वो क्यों क्लियर हम मारने वाले? वो कवरिंग के लिए, जैसे कि मैचिंग हल्का मुल्का, जैसे ये नया हो गया ये पुराना हो गया, तो उसमें हल्का डिफरेंस दिखता है। अच्छा, डिफरेंस दिखता है, उसकी वजह से हम लोग इसको मार देंगे जिससे ये बराबर दिखने लग जाए। तो गाइज आप लोगों को भैया ने बता दिया है, और जैसे रेड कलर में ही मारना पड़ता है, लाल रंग में ही होता है केवल। सो गाइस जैसे ये काम पूरा हो जाता है और भाई ये पूरे डेंट निकाल देते तब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हम लोग पूरे इसमें रेगमार मारेंगे और उसके बाद इसके ऊपर पट्टी चढ़ाई जाती है। भाई जो हरे रंग का ये दरवाज़ा हो रखा है, इसको कब हम करेंगे ठीक?
इसको भी इसमें भी मारेंगे हम। हाँ, इसके बाद ठीक है गाइस, पहले ये हो जाए उसके बाद इसकी तरफ आएंगे और इसको पूरा जैसे होगा ये रंग पूरा छूट जाएगा ना हरे रंग का? नहीं, इसकी चमक खत्म हो जाएगी। इसकी चमक खत्म हो जाती है, मतलब ये वैसा नहीं होगा जैसा हम नया डोर खरीदते? नहीं, वैसा नहीं होगा। अच्छा, इसकी चमक कम हो जाएगी और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर पट्टी कहाँ कहाँ भरेंगे इसमें? हम जहाँ जहाँ स्क्रैच होगा या डेंट होगा। तो गाइस ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में भाई ने बता दिया है, तो भाई को करने देते हैं काम और उसके बाद में आपको। इसमें अब काम स्टार्ट हो चुका है कटाई का, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भाई पूरा कर रहा है। तो ये जो सरफेस है ये बिल्कुल इवन कर देंगे ये लोग, और आप लोग देख सकते हैं भाई पूरी मेहनत इसमें कर रहा है। कितना टाइम लग जाता है इसमें भाई? दो घंटे लग जाते हैं ये पूरा बराबर होने में। इसके बाद इसमें पेंट होगा, आज आज में पेंट होकर रेडी हो जाएगी। कितने घंटे चाहिए हमें? सही दो ढाई घंटे में हम ओके हो जाएंगे। सो गाइस इसके बाद मास्किंग की जाएगी, सब चीज़ें कवर करेंगे और फिर पेंट करेंगे। और आप लोगों को पहले बताया था जो क्लियर कोट है वो लास्ट में भी लगेगा और आगे भी लगेगा फेंडर में। ओके गाइस, तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग इस साइड को अभी इसमें क्लियर कोट लास्ट में नहीं मारेंगे, पहले हम इन दोनों डोरों को तैयार करके देख रहे हैं कि कलर का कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में मास्किंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं परफेक्टली हर चीज़ मास्किंग कर दी है यहाँ पर। अगर आप लोग देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पर आपको पूरी मास्किंग होती दिख जाएगी। इसके बाद भाई जो है अब काम स्टार्ट करेगा, सबसे पहले क्या करने वाला भाई? अस्तर मारने जा। अस्तर मारोगे, क्या होता है उसमें? क्या होता है? पट्टी ढकेगी। अच्छा, पट्टी ढक जाएगी। तो गाइस चलिए देखते हैं, काम स्टार्ट कर रहे भाई, कर दो भाई। तो गाड़ी के ऊपर पूरा परफेक्टली जो अस्तर मैं आप लोगों को बता रहा था वो हो चुका है। इसी के साथ में जो डोर हैंडल्स है, अगर आपके ब्लैक है तो इनको पेंट मत कराना, मेरे वाले जो थे वो बॉडी कलर के ही थे इसलिए मैंने इनको पेंट करा लिया है। तो ये परफेक्टली रेडी हो गया है, अब ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी ये पूरी मास्किंग कराते हो कम्प्लीटली कराना कि अंदर ना जाए। अच्छी जगह से कराओगे तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल मेरा बताने का आपको काम है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमारा पेंट। भाई क्या क्या मिलाना हो रहा है इसके अंदर? थिनर और पेंट। तो आप लोग देख सकते हो ये बॉक्स के बाहर कुछ भी नाम नहीं लिखा होता, मुकेश भाई ही पेंट देके गए हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता है मुकेश भाई कौन है तो कोई भी वीडियो देख लेना जो कि आपकी पेंटिंग से रिलेटेड हो। जब भी ये काम करवा रहे हो तो नाक में कुछ ना कुछ बांध लेना जब भी करवा रहे, नहीं तो सर में दर्द हो जाएगा। देख सकते हो थिनर और मिला रहे, और फिर इसको पूरा रेडी करेंगे और स्प्रे स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी का जो कोटिंग का काम है वो स्टार्ट होने वाला है, यानी कि पेंट वर्क ये आपका होता है। भाई कितनी बार कोटिंग होती है? इसकी तीन कोटिंग होती है। तीन कोटिंग होती है, तो पहली कोटिंग की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पेंट का काम हो चुका है शुरू। तो गाइस फर्स्ट कोट के बाद कुछ गाड़ी ऐसी दिखने में, अभी आप लोगों को कलर बहुत ज़्यादा मिसमैच दिख रहा होगा, काफ़ी ब्राइट अप दिख रहा होगा, लेकिन अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड कोट की तरफ। तो भाई स्टार्ट करो सेकंड कोट, और हर कोट के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का ये लोग वेट देते हैं इससे वो सूख जाए। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें डिफरेंस जो होता हुआ होगा। सेकेंड कोटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसमें लगने लग गया होगा कि हाँ भाई 18-19 वाली बातचीत आ चुकी है। इसके बाद अभी एक और कोटिंग होने वाली है भाई, इसके बाद थर्ड कोटिंग होगी ना? हाँ। उसके बाद क्लियर मारते हैं, मतलब वही क्लियर होगा, थर्ड कोटिंग वाले क्लियर होता है गाइस। तो थर्ड कोटिंग जो होगी वो क्लियर वाली होगी, और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि क्या कलर आया। इसके बाद सूखने के बाद भी आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का कलर डिफरेंस दिखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलर ब्राइट अप होगा कंपैरिजन में इसके। जब इसके ऊपर हम लोग रबिंग करेंगे तब कई हद तक सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी कि जब फाइनल कोट मारते हैं तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है थर्ड कोट की। तो गाइस, तो फाइनल कोटिंग की तरफ आ चुके हैं जो कि आप लोगों का क्लियर कोट रहने वाला है। सो भाई स्टार्ट कर दो। भाइयों को
ओके गाइस, तो फाइनली बाहर का सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, अंदर की साइड में भी पेंट मार रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताया, तो अगर आप अभी कलर डिफरेंस देखेंगे आपको अगेन ये बहुत ज़्यादा ब्राइट अप दिख रहा होगा और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आज ये गाड़ी मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। अगर आप लोग मिरर की तरफ देखेंगे तो मिरर भी लेने गए, तो उसको हम लोग फिट कर देंगे, कलर पेंट कर देंगे और उसके बाद लगा देंगे। सो गाइज, आज मोस्ट प्रॉब्ली इस व्लॉग को मैं यहीं पर कंप्लीट कर दूंगा, मतलब थोड़ा सा और आप लोगों को दिखा के, क्योंकि आज ये गाड़ी पूरी कंप्लीट होकर मेरे को नहीं मिल रही है। ये गाड़ी शिफ्ट होने वाली है थर्ड डे की तरफ। रीज़न यही रहा है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है और थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है। सो भाई अभी अंदर की तरफ मारना है ना, और ठीक है अंदर की तरफ अभी और मारना रह रहा है, उसके बाद अगर मिरर आते सही टाइम से तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो इस व्लॉग को एंड कर देंगे। तो आज का ये जो पार्ट 3 था उसको मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। रीज़न केवल यही है कि अभी जो है गाड़ी पेंट हुई है और करीबन 7 बज चुके हैं। ये आपको जो वीडियो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन आसमान की तरफ अगर आप लोग देखोगे ना तो ऊपर जो है पूरा बारिश वाला मौसम बन चुका है। इसीलिए जो है गाड़ी को मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि कल फिर से गाड़ी को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में करानी है रबिंग और उसके बाद ये वॉश भी होगी, अंदर से पूरी साफ भी होगी और इसको तैयार करवा के ही मैं लेके जाऊँगा। इसी के साथ में गाइस, अभी जो था आपने जो प्रोसेस था मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, डोर खरीदने से डोर लगाने तक, उसको पेंट करने तक क्या क्या चीज़ें मैंने की। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाना। चैनल में इतना प्यार दिखाया मुसाफिर को, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, लिखो MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। तो सोचा था केवल 3 ही पार्ट में इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन मौसम ऐसा चल रहा है, टेम्परेचर ऐसा चल रहा है कि वो अलाउ नहीं कर पा रहा, तो इसका आएगा पार्ट 4। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो को आप लोगों ने संडे को देखा है तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे या ट्यूसडे को वो वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मंडे के लिए मैंने कुछ डिफरेंट सोचा हुआ था और शूट भी कर रखा है। सो लेट्स सी कि सब कुछ कैसा रहता है। वीडियो को आपने लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, सब्सक्राइब तभी करना है अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।